वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गुलाटी आर्मी। सो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और रहना भी बढ़िया। अगर आपका फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आपको बता रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेंटेनेंस क्या होता है और फ्री फायर आपका ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ओपन नहीं हो रहा है तो कब तक ओपन हो जाएगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेंटेनेंस का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी क्यों नहीं ओपन हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर फ्री फायर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मेंटेनेंस का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि मेंटेनेंस का काम होता है रख रखाव या फिर कार्य प्रगति पर है। आपने सड़कों पर नहीं देखा क्या कि कुछ काम हो रहा होता है, सड़क नहीं बन रही होती है या फिर पहले वाली सड़क को कुछ रिपेयर किया जाता है, तो वहां पर आपको मेंटेनेंस का नोटिस देखने को मिल जाता है। यानी कि कुछ बढ़िया करने के लिए थोड़ी सी काम में रुकावट आ गई, वो आदमी आपको इससे भी बढ़िया चीजें वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर फ्री फायर में कुछ नया चीज ऐड हो रही है, कुछ नया इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस का नोटिस देखने को मिल रहा है और आपका जो फ्री फायर है वो ओपन नहीं हो रहा है। सो सिंपली सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्री फायर कब तक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मेंटेनेंस में तो आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं मोर इन्फो पे क्लिक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर फ्री फायर ने हमें क्या बताया कि क्या क्या कुछ नया आने वाला है। तो सिंपली आप देख सकते हो डियर सर्वाइवर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें हाईलाइट के रूप में बताई गई है कि क्या क्या इसमें जो नया चीज है वो ऐड किया जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो जिसमें न्यू वेपन ऐड किए जाएंगे, आप देख सकते हो न्यू वेपन इसमें ऐड किए जाएंगे और उसके बाद में यूएमपी एंड एक्सएमआर की जो रिलोडिंग स्पीड है वो बढ़ाई जाएगी। जो न्यू अपडेट आएगा उसमें हमारी जो न्यू रीलोड स्पीड देखने को मिल जाएगी एक्समार्ट और जो यूएमपी उसमें इंक्रीज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो थीवा की जो थीवा जो करेक्टर है ना उसके बारे में भी यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देता है टू टीममेट को वो यहाँ पर फास्टर किया जाता है, मतलब उसकी भी जो स्पीड है वो बढ़ाई जाएगी, मतलब हेल्थ मिलती है ना थीवा करेक्टर के बारे में। आपने जाना होगा कि मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि थीवा करेक्टर क्या है, फ्री में कैसे मिलेगा और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है, एबिलिटी टेस्ट करके दिखाया था ना, तो उसमें तो थीवा जो करेक्टर है उसको भी यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। उसके बाद में लोन वाफ मोड को बैक लाया गया है लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए लोन वाफ मोड को फिर से लाया गया है। लोन वाफ मोड था ना, मतलब 1v1 कर सकते हो, 2v2 कर सकते हो, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए फिर से यहां पर लाया गया है। और यहां पर टू राउंड टू चूज द वेपन बोथ ऑफ यू विल यूज, मतलब इसमें वेपन वगैरह यूज करना है, उसके बाद में आपको गेम खेलना है 1v1 और 2v2 यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर न्यू यहाँ पर रैंक टायर इसमें ऐड किया गया है, जिसमें अगर आप हीरोइक हीरोइक के बाद में ग्रैंड मास्टर आता है ना, तो हीरोइक के बाद में अभी मास्टर नाम का एक न्यू जो टायर है वो ऐड किया जाएगा, तो ये भी काफी कमाल का है, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद में पिन मार्कर इसमें दिया गया, मतलब जब भी आप किसी चीज को मार्क करते थे ना, लोकेशन मार्क करते थे कि आई गोट सप्लाईज फ्री फायर में, जो आप कोई भी चीज अपने टीममेट को बताते थे कि ये चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, जैसे कि किसी को M187 की गन स्किन और गन बढ़िया लगती है तो आप कहीं पर देखते हो तो वो उनको बताते हो कि ये यहाँ पर पड़ी है, मेडी यहाँ पर पड़ी है, सारी जो चीजें वो यहाँ पर पिन मार्कर इसमें दिया गया है, जो काफी कमाल की चीज है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐड की जाएगी। हाईलाइट के रूप में मैंने क्या क्या आपको बताया वो आप देख सकते हो। अभी फाइनली बात करते हैं कि मेंटेनेंस कब से लेकर कब तक चलने वाला है और हमारा फ्री फायर है वो कब ओपन हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो फ्री फायर ने खुद यहां पर ऑफिशियली बताया है कि ये यहां पर कब से लेकर कब तक चलने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेंटेनेंस का यहाँ पर पोस्टर आपको देखने को मिल जाएगा और ये मेंटेनेंस कब से लेकर कब तक चलने वाला है वो आप देख सकते हो। सिंपली भाषा में बताया गया टुडे विल बी हैविंग मेंटेनेंस टू ब्रिंग यू द न्यू अपडेट फ्रॉम 9 बज के 30 मिनट, जो हमारे इंडिया का टाइम जोन है उसका बता रहे हैं, 9 बज के 30 मिनट से ये जो मेंटेनेंस है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर 6 बज के 30 मिनट के बीच में यहाँ पर आपको जो न्यू अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस यू विल बी नॉट बी एबल to enter the game but once it's over you may update the app and पहले अस। यहाँ पर सिंपली भाषा में बताया गया है कि 9 बज के 30 मिनट के बाद में आपको अपडेट का जो मेंटेनेंस है वो देखने को मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये 6 बज के 30 मिनट जो शाम के जो 30 मिनट है 6 बज के 30 मिनट है वहां तक यहाँ पर चलने वाला है। इस दौरान आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते, गेम के अंदर अपडेट जब भी आएगा उसके बाद खेल सकते हो, मतलब इस दौरान मेंटेनेंस चलेगा, इस दौरान यहाँ पर आप गेम के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद में जब भी अपडेट आता है अपडेट करने के बाद में आप
आप इस गेम को खेल सकते हो और अपडेट ना करने के बाद में खेल सकते हो। जैसे ही अपडेट आ जाता है उसके बाद में ये वाला जो गेम है वो भविष्य यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेंटेनेंस का नोटिस यहाँ पर दिया है फ्री फायर ने। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मेंटेनेंस क्या है, फ्री फायर ने क्यों दिया है, फ्री फायर में क्या क्या न्यू चेंजेस होने वाले हैं, हाईलाइट क्या है, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और ये कब से लेकर कब तक चलने वाला है, फ्री फायर कब ओपन होगा वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि 9:30 के बाद में फ्री फायर में मेंटेनेंस का नोटिस आ जाएगा और लगभग 2-3 घंटे के बाद, मतलब समझ सकते हो 12-1 बजे के बाद में आपका फिर से फ्री फायर ओपन हो जाएगा और अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगा शाम को 6:30 से पहले पहले। तो आप अपडेट आता है तो अपडेट कर लीजिएगा, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करते हो तो आपको जो न्यू चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको शो नहीं होगी। सो फाइनली आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 मिनट वाले घंटों को दबा लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंदू वंदे मातरम।